हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो आपने सैंडविच बहुत बार खाए होंगे, पर आज जो हम बनाने वाले हैं वो साबूदाना सैंडविच बनाने वाले हैं, जो कि व्रत के भी काम आ जाएंगे और आपको सैंडविच वाला भी फील देंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ले लेंगे हम लगभग 1 कप साबूदाना। इसमें डाल देना है हमें पानी, और एक पानी हमें अच्छे से इसे वॉश करके अलग कर लेना है। उसके बाद हम इसमें फिर से पानी डाल देंगे और 2 घंटे के लिए इसे सोक करने के लिए हमें छोड़ देना है। सबसे पहले इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब फिर से इसमें पानी डाल करके हमें इसे 2 घंटे के लिए सोक करने के लिए छोड़ देना है। अब हमारे साबुदाना अच्छे से सोक करके हो चुके हैं और हमने पानी में से इसे अलग कर लिया है। तो इसमें बॉईल वाले पोटैटो डाल देंगे, जो मैंने अच्छे से कीस लिया था। अब मिला देना है हमें थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया पत्ती। साथ में हमें मिला देनी है थोड़ी सी हरी मिर्च। अब इसमें मिला देंगे लगभग 1/2 चम्मच जीरा। थोड़े से मिला देंगे हम इसमें चिली फ्लेक्स। अगर आपको मिर्च ज्यादा पसंद नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। 1/2 चम्मच डाल देंगे इसमें सॉल्ट। हम रॉक सॉल्ट डालेंगे इसमें, क्योंकि ये व्रत वाले बन रहे हैं। तो साथ में हम डाल देंगे रोस्टेड पीनट, जिसे हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, लगभग 1/2 कप। थोड़ा सा हमें डाल देना है इसमें लेमन जूस, और इन सबको अच्छे से मिला लेना है। ये अच्छे से अब मिल चुका है, तो इसे रख लेंगे साइड में। और एक सैंडविच मेकर ले लेंगे। इसके ऊपर हमें घी लगा लेना है। अच्छे से घी से इसकी ग्रीसिंग कर लेनी है दोनों साइड से। अब साबुदाना वाला पेस्ट हमें ऐसे रखते जाना है और एक लेयर बना लेनी है। अब इसके ऊपर से हमें लगा देने थोड़े से खीरा और थोड़े से टमाटर। और ऊपर से भी इसकी की लेयर कर देनी है। अब सैंडविच मेकर को हमें बंद कर लेना है। उसके बाद हमें गैस पे इसे दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। गोल्डन ब्राउन होते तक हमें अच्छे से सेक लेना है। बीच बीच में हम चेक भी कर लेंगे कि हमारे सैंडविच अच्छे से सिका है या नहीं। तो ऐसे ही हमें दोनों साइड से सेक लेना है। और देखिए, हमारा सैंडविच अच्छे से सिक चुका है, क्योंकि गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। तो लीजिए, हमारा सैंडविच बिल्कुल बनकर के रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर हिट करें। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।